चंपारण स्थित बापूधाम रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बापूधाम रेलवे स्टेशन देश का वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा। इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुख सुविधा के साधन उपलब्ध रहेंगे। निर्माण कार्य में तकरीबन 1.5 साल लगेंगे, परंतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाने में 2 साल का समय लग जाएगा। स्टेशन पर सर्वाइवल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट, होटल, एस्केलेटर सहित तमाम तरह की सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। उसके लिए सर्वे का काम संपन्न हो गया। अब भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तत्काल रेलवे का कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए रेलवे के पुराने भवन में ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है। भवन निर्माण का कार्य रेलवे की अद्याराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की सर्वे टीम ने सर्वे रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। सर्वे कार्य में लगे टीम के मुख्य सर्वेयर रमेश कुमार के साथ 5 सदस्यीय टीम कार्य कर रही है। डिजिटल न्यूज 20 से नीरज कुमार मेरा नाम है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है बापूधाम को बनाया जाना है सर, कब से स्टार्ट होगी और कितने दिनों तक चलेगा सर? काम शुरू हो गया है जी सर। कितने दिनों तक चलेगा सर? इसमें कितना समय लगेगा? 2 साल तो दीजिए जी। 2 साल तो दीजिए। 2 साल चलेगा सर कंप्लीट होने में, बट मेजर वर्क जो है हम लोग जो है 1.5 साल में कर लेंगे। निरीक्षण एक साइड हम लोग 1.5 साल में कर लेंगे, दूसरी साइड का पूरा कंप्लीट होने में आप ये मान लीजिए। क्या क्या बनेगा सर यहाँ? तो मैं बता चुका हूँ, सब कुछ बनेगा यहाँ पे। एस्केलेटर, लिफ्ट, बैंक्वेट हॉल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, डिपार्चर कॉन्कोर्स, अराइवल कॉन्कोर्स, सब बनेगा यहाँ। रिटायरिंग होटल सब बनेगा। जो भी फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो बेस्ट मतलब इन क्लास है यात्रियों के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।